और कुछ लेगा? बस यार खाना ही खिला दे। चल ठीक है, तू बैठ आराम कर, मैं खाना ले जाता हूँ। हाँ यार खाना खा। धन्यवाद यार, बड़ी भूख लग रही थी। आजकल तो घर में खाने का मन ही नहीं करता। खा। क्यों भाभी जी अच्छा नहीं बनाती क्या? बस यार मत ही पूछ। क्या हुआ? पानी 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 एक मिनट। पानी की खांसी ज्यादा हो रही है यार। सौरभ जी नहीं यार, मुझे खाना ही तेरा ठीक नहीं लगा। क्यों मैं देखो यार, बैठ बैठ थोड़ा। नहीं यार मेरे से नहीं खाया जाता। अरे बैठ यार, बातें नहीं नहीं छोड़ यार। खांसी ज्यादा हो। अरे सुनती हो? हां जी बोलो। चाय लाना जरा। बढ़ तो गई है, क्या करूं? पर मैं तो कह रही हूं चलते हैं अस्पताल, डॉक्टर को दिखा देते हैं एक बार। लगता है तुम सही कह रही हो, काफी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। चलो ठीक है, कल चलते हैं अस्पताल। हाँ। बैठिए डॉक्टर साहब। हां जी बताइए, क्या हुआ? खांसी हो गई है, कितने समय से? एक महीना होने को है, और ना तो ये खाते हैं। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? ये करवा लीजिए और फिर मुझे दिखा दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार ये छाती का टीबी हो चुका है। डॉक्टर साहब कुछ डरने की बात तो नहीं है ना? देखिए डरने की बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। ये कोर्स आपका पूरा 6 महीने तक चलेगा और ये कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा। ये दवाइयाँ मिलेंगी कहाँ से? ये दवाइयाँ डॉट्स के सेंटर पर आपको मुफ्त मिलेंगी, तो घबराने की बात नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा और दवाई खाने के बाद एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको कॉल करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि आप रोजाना दवाइयाँ ले रहे हैं जी। टीबी के लक्षण: 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी का होना, खांसी में खून व बलगम का आना, शाम को बुखार आना, रात को पसीने आना। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाई बहुत दिनों से हमारी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है भाई। चल तो डॉक्टर के पास चल। अरे भाई रहने दो। अरे चल डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगी ज्यादा यार। अरे भाई ऐसा नहीं। अरे चल चल मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब बड़े दिनों से हमारी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, हमें रात को बहुत बुखार आता है। आपका वजन तो नहीं कम हुआ? वजन लग तो रहा है, हमारे कपड़े थोड़े ढीले लग रहे हैं। अच्छा, और हमें भूख भी नहीं लग रही है। क्या काम करते हैं? बस यही जो मिल जाए करने के लिए, मजदूरी। आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये सारे आपके करा के लाने हैं। ये कौन सा डॉक्टर साहब टीबी है? देखिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, जैसे शरीर के और अंगों में भी टीबी हो सकता है, चाहे आपको रीढ़ की हड्डी का टीबी हुआ है। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये दवाइयाँ आपने डॉट सेंटर जाके ले लेनी है। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काम तो कर पाऊंगा डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डरने की बात नहीं है। जो दवाइयाँ लिख रही हूँ सारी ले लेना। सही है, अब तो हमने दवाई भी छोड़ दी है, देखो अब तो हम कश भी लगा देते हैं। अच्छा दवाई दवाई वाई छोड़ दी? अब तो दवाई सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो फिर चलते हैं यार, काम वाम करते हैं कुछ। चलो भाई चलो चलो।
नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी आइए बैठिए, आप तो पहले भी आए थे। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये आपने कैसी दवाइयाँ लिखी मुझे? कुछ दिन में ठीक रहा, फिर मुझे दोबारा से दर्द शुरू हो गई है। आपने अपना कोर्स पूरा लिया था, दवाई कितने दिनों तक खाई थी आपने? जैसे मैं ठीक हो गया मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। देखिए टीबी का कीटाणु शरीर में दोबारा पनप सकता है और इससे और भी हानिकारक टीबी में ये बदल सकता है, तो आपको दवाइयों का पूरा कोर्स करना है। मैं दोबारा दवाइयाँ लिख रही हूँ, कोर्स दोबारा शुरू कीजिए और इस बार दवाइयों का पूरा कोर्स करना, बीच में छोड़ना नहीं। जी डॉक्टर साहब। जी टीबी केवल फेफड़ों का रोग नहीं है, ये शरीर की किसी भी अंग में हो सकता है, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, हड्डियां इत्यादि। टीबी मुख्यतः शरीर की रोग से बचाव की क्षमता की कम होने के कारण होता है, अतः इसके बचाव का सबसे अच्छा उपाय है रोजाना संतुलित आहार लें। तो आइए जानते हैं टीबी के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जन्म के समय BCG का टीका लगवाएं, खांसते व छींकते समय मुंह पे रुमाल रखें, रोगी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें और संतुलित आहार लें।